अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक एंटी हेयर फॉल रेमेडी। तो इस रेमेडी के अंदर क्या क्या डलेगा ये मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो देखते रहें ये वीडियो। गाइज, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के बाल हो जाएं लंबे, घने और मजबूत, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस रेमेडी में हम लोग क्या क्या डालेंगे ये मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया है सरसों का तेल, और हम लोगों ने क्या लेना है, हम लोगों ने ले लिया अदरक, हम लोगों ने ले ली मेथी दाना, और ये है हमारे पास एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को किस तरह से निकाला जाए ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो, लास्ट से लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, जो हमारी फेस मास्क वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए। ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है सरसों का तेल, ये है अदरक, वो है मेथी दाना और वो है एलोवेरा जेल। अब इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करके हल्की आंच पे पकाना है। इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि जो मेथी दाना है वो ब्लैक हो जाए, लेकिन बस हम लोगों ने ना इसका अदरक का और मेथी दाना का रस जो है ना वो अपने ऑयल में डालना है, और वो ऑयल फिर हम लोगों ने ठंडा करना है, और फिर ठंडा करके आराम से लगाना है, और फिर देखिएगा कि आपके बाल किस तरह। गाइस, ये हैं इस वक्त बाहर के नज़ारे। बहुत सारे प्यारे प्यारे बर्ड्स आ जाते हैं इस टाइम खाना खाने, क्योंकि यहाँ पे मैंने उनके चूरी फेंकी होती है, तो ये सब आगे खा रहे हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी हेयर लॉस को ठीक करने के लिए जो रेमेडी हम बनाने वाले हैं, देखते रहें इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू आवर वीडियो। सब आँच बिल्कुल हल्की है और हमने ये डाल दिया। ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है, ऑयल, एलोवेरा, मेथी दाना और अदरक। और इसको जब इसको देखते तो हमने इसको ना हल्का सा फ्राइड है, हमें इतना भी ज़्यादा नहीं करना कि हमारी जो मेथी दाना है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाए। बस हमने ना एलोवेरा, मेथी दाना और अदरक का रस अपने ऑयल के अंदर लेके आना है। और इस वक्त ये हैं हमारे बाहर के नज़ारे, और ये हैं हमारे अंदर के नज़ारे। और इस वक्त आंच बिल्कुल हल्की है, इसको जलाना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पकाना है, जलाना नहीं है। इस पॉइंट पे हमारा जो रेमेडी आ जाएगी, इस पॉइंट पे आपने कर देना है चूल्हा बंद, और ये मैंने कर दिया चूल्हा बंद, और इसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि गर्म गर्म तो हम लगा ही नहीं ना सकते ऑब्वियसली। और फिर ये जब ठंडी हो जाएगी तो आप बॉटल में डालें, और फिर आप इसको यूज़ करें।